हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके मूवमेंट के लिए ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी है, ये 5 पेज का लिस्ट है जो मैंने डिपार्टमेंट की साइट से उठाया है। इसमें जो जो आइटम्स मेंशनड हैं, यानी कि जो जो आइटम हैं उनके मूवमेंट के लिए, यानी कि मंगाने या फिर भेजने के लिए ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं तो मैं एक एक करके नहीं बता सकता, बट क्या क्या इसमें देखना है, कैसे देखना है ये बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी नेचुरल आइटम्स हैं, जैसे कोई भी उपज होती है, अपना फसल होता है, या फिर लाइव एनिमल्स होते हैं, इन सब पे नॉर्मली जो है ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब आगे बताता हूँ, देखिए ये PDF फाइल है, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको अब इसमें देखना कैसे है, कंट्रोल के साथ F दबाइएगा, ठीक है। देखिए मैंने दबाया और ये आ गया, कंट्रोल के साथ F। F मतलब होता है फाइंड, फाइंड मतलब होता है खोजना। तो इस ऐसे याद कर लीजिएगा आप, कंट्रोल के साथ F दबा के, और जो भी चीज़ आपको यहाँ पे ढूंढनी होगी यहाँ पे डालिएगा। जैसे मुझसे किसी ने पूछा था हनी का, सर थोड़ा कन्फर्म कर दीजिए, मैंने हनी दबाया, या तो आप नेक्स्ट दबा दीजिएगा या फिर इंटर दबा दीजिएगा, जितना भी हनी नाम से होगा ये खोज के और नेक्स्ट या फिर इंटर दबाते जाएगा ये बताते जाएगा। अब क्या देखना है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेचुरल हनी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि प्राकृतिक जो शहद है उसके मूवमेंट के लिए आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। लेकिन यहाँ पे अदर देन का मतलब होता है कि ये एक्सेप्शन है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा क्या बोल रहा है ये जो है, हाँ देखिए, अदर देन पुट अप इन अ यूनिट कंटेनर एंड बियरिंग अ रजिस्टर्ड ब्रांड, ठीक है। मान लीजिए हनी है, उसको आपने किस कंटेनर में रखा और भेज रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ई वे बिल बनाने की। लेकिन हनी है तो सिंपल सी बात है, किसी ना किसी कंटेनर में रखेंगे, तो कंटेनर में रख के अगर उस पर ब्रांड नेम लग गया, जैसे हनी है सिंपली भेज रहे हैं ई वे बिल मत बनाइए, बट हनी है अगर डाबर का हनी है या फिर पतंजलि का हनी है उसको भेज रहे हैं तो फिर ई वे बिल लगेगा, ठीक है। ऐसे ही बात है। जैसे और एक दो छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं राइस का, ठीक है। राइस करके मैंने यहाँ नेक्स्ट किया, देखिए राइस आ गया। राइस है, आपने बोरी में पैक किया या फिर जैसे भी पैक किया भेज रहे हैं, ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे देखिए अदर देन, तो जहाँ भी यहाँ अदर देन लगा है अब पढ़ के और उसके लिए ई वे बिल बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया है पढ़ के और बना दीजिएगा। क्या बोल रहा है कि अदर देन दोज पुट अप इन अ यूनिट कंटेनर एंड बियरिंग अ रजिस्टर्ड ब्रांड, तो नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में ही है, अगर उस पर ब्रांड नेम लग गया, किसी ब्रांड का हो गया, जैसे राइस है भेज रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट वही राइस अगर इंडिया गेट का हो जाता है या फिर और भी जो ब्रांड्स आते हैं उनका हो जाता है, ब्रांड का लेबल लग गया, तो फिर ई वे बिल बनाना है। ऐसे यहाँ ओट्स है, मैजे है, या फिर बार्ली है, राई है, इस सब के लिए सेम केस आप देख रहे हैं, तो वैसा ही है। और एक और चीज़ में आपको, दूध है, दूध के लिए भी सेम है, एक ब्रेड के लिए डिफरेंट होता है, ब्रेड देख लीजिए मैंने यहाँ नेक्स्ट किया। देखिए ब्रेड क्या है, ब्रांडेड हो या फिर कोई भी हो, इसके लिए ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर मैंने जो बताया उससे थोड़ा सा अलग है, ये ब्रांडेड है तो भी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पिज्ज़ा वाला ब्रेड है, पिज्ज़ा जो हम खाते हैं, तो उसके लिए बनाना होता है ई वे बिल। ऐसे ही बहुत सारे आइटम्स हैं, मैं एक एक करके आपको कितने दिखाऊं नहीं दिखा सकता, बहुत सारे हैं। जैसे बीटल लिप्स हैं, मतलब जो पान का पत्ता है उसके लिए नहीं होता है, या फिर सोया बीन्स हैं, देखिए सोया बीन्स के लिए नहीं होता है, या फिर बहुत सारे आइटम्स हैं। बस आपको यहाँ पे कंट्रोल इफ करके फाइंड करना है, नाम डालना है, इंटर या फिर नेक्स्ट कीजिए, जितने भी होंगे सारे देख लीजिए। ये लिंक से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।